हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेबी के लिए रोमपर बनाना बताऊंगी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। जितने साइज का मैं ये पेपर ले रही हूँ उतना ही साइज का आपको कपड़ा लेके यूज करना है। देखिए इस तरह से कपड़े की लंबाई 17 इंच है, कपड़े का चौड़ाई हमारा 20 इंच है। ये हमारा डबल फोल्ड है, डबल फोल्ड में आप कपड़े ले लें। कपड़े की चौड़ाई हम 20 इंच ले लेंगे और कपड़े की लंबाई 17 इंच ले लेंगे। इस तरह से हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लिए हैं। ये हमारा आगे और पीछे दोनों साइड का हमें इसी से बनेगा। पहले हम इसे फोल्ड करेंगे। फुल फोल्ड करने के बाद हम वन साइड की तरफ से नेक का निशान लगाएंगे और ओपन साइड की तरफ से आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम इधर से हाफ इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से नीचे हम ये 5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे राउंड शेप देंगे। हमने इसमें राउंड शेप दे दिया है तो ये हमारा आर्म होल के लिए शेप रेडी हो गया है। अब हम इधर से नेक के लिए निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम बैक के नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से शोल्डर के लिए स्पेस नहीं छोड़ेंगे। इसे हम डायरेक्ट यहाँ इस तरह से हल्का राउंड लेते हुए इस तरह से इसमें शेप लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने बैक के नेक के लिए निशान लगा लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। हमने इसे कट कर लिया है। ये देखिए ये इस तरह से। अब हम इसे बैक पार्ट को नीचे से भी रेडी करेंगे। तो चलिए अब हम बैक पार्ट को नीचे से रेडी करते हैं। ये जो हमने नेक का कट किया है यहाँ से रखते हुए हमने 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से ये जो हमने आर्म होल कट किया है यहाँ पे हम इस तरह से रखते हुए हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद फिर हम इसमें ये जो हमने शेप लगाया है 14.5 इंच पे और ये जो 7 इंच पे लगाया है उसे हम इस तरह से यूँ रखते हुए इस तरह से हम इसमें शेप लगा देंगे यहाँ से लेके यहाँ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें शेप लगा लिया है। आप किसी टूल का हेल्प लेके शेप लगा ले। अब हम इसे सिंपली कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हमें नेक को डिप करना होगा और नीचे भी हम इसे शेप लगाएंगे। तो नेक डिप करने के लिए सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर फ्रंट साइड के लिए हमें यहाँ नेक को 1.5 इंच डिप करना होगा। यहाँ से इस तरह से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से 1.5 इंच का निशान लगाते हुए हमने इसमें राउंड शेप दे दिया है। अब हम यहाँ से आर्म होल का जो हमने कट लगाया है यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। बैक के पार्ट में 7 इंच का निशान लगाया था उसी तरह से यहाँ भी हम यहाँ पे 7 इंच का निशान लगाएंगे और यहीं जो हमने नेक का निशान लगाया है वहाँ हम नीचे 11 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पे इसे हमें यहाँ से ऊपर की तरफ लेते हुए फिर हम यूँ इसे नीचे डिप करेंगे। डिप करते हुए हल्का हमें फिर हमें यूँ इस तरह से इसमें मिला देना है। ये देखिए इस तरह से हमें नीचे शेप लगा लेना है। तो ये हमारा फ्रंट का भी ड्रॉ रेडी हो गया है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कट के रेडी हो गया है। ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट हो गया और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। इस तरह से मैंने कपड़े पे कट करके रखा हुआ है। ये देखिए इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट करके रेडी किया हुआ है और हमारा बैक पार्ट इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। कट करने के बाद हम नेक में और सबसे नीचे में पाइपिंग लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे और यहाँ पे जैसे कि ये मैंने पहले से लगा के रखा हुआ है। ये देखिए ये बैक पार्ट है इसमें ये इस तरह से मैंने इसमें पाइपिंग लगा के रखा हुआ है। नीचे से भी पाइपिंग लगा के रखा हुआ है। इस तरह से आप पहले पाइपिंग लगा ले। चलिए अब मैं इसमें स्लीव्स का कटिंग बता देती हूँ। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इतना लंबा कपड़ा लेना पड़ेगा। इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। कपड़े की चौड़ाई हमारी 20 इंच है और कपड़े की लंबाई हमारी 5 इंच है। इस तरह से हमें कपड़े को ले लेना है। उसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे फिर हम उसे फोर फोल्ड करने के बाद सारी बन साइड हमारी ऊपर है, ओपन साइड हमारा नीचे है। उसके बाद हम इस पर शेप लगाएंगे। इसकी चौड़ाई हम 3.5 इंच रखेंगे और इसकी लंबाई हम 4.5 पे मार्क लगाएंगे। देखिए इस तरह से 4.5
हाफ पे मार्क लगा के हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर से हमने 3.5 लिया है, 3.5 इंच लिया है, और नीचे से हम 3 इंच लेंगे। ये देखिए यहाँ पे 3 इंच हमारा आ रहा है, नीचे से हम 3 इंच लिए हैं, और यहाँ से हम 2.5 पे मार्क लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये मार्क लगाया है। अब हम इसे शेप लगाएंगे। ये हमारा 2.5 है, ये 3.5 पे मार्क लगाया था और ये 3 पे, इसे हम यूँ इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसे शेप लगा लिया है। यहाँ से 3 इंच पे जो हमने मार्क लगाया है और यहाँ से 2.5 पे जो मार्क लगाया है उसे हम यूँ इस तरह से मिला लेंगे। ये इस तरह से हमने मार्क लगा लिया है। चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। इस तरह से हमें स्लीव्स कट कर लेना है। ये देखिए ये इसे आप डायरेक्ट कपड़े पे कट कर लिए या इस तरह से कट कर लिए। देखिए इस तरह से ये हमारा स्लीव्स रेडी हो गया है। स्लीव्स में भी हम इस तरह से साइड से पाइपिंग पहले से ही अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने स्लीव्स भी कटिंग करके रेडी रखा हुआ है। हमारी कटिंग रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। स्टिचिंग शुरू करने से पहले आप सबसे पहले नेक में और सबसे नीचे पाइपिंग लगा लें, इस तरह से जिस तरह से मैंने ये लगाया हुआ है। दोनों फ्रंट और बैक दोनों में, नेक में और नीचे में पाइपिंग लगा लें, और स्लीव्स में भी इस तरह से पाइपिंग लगा के रखें, ठीक है। उसके बाद हमें ये बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट को हमें इस तरह से रखना है, राइट साइड हमारा बाहर की तरफ रहेगा। ये फिर उसके ऊपर हम फ्रंट वाले को रख देंगे। इसके नेक को सेट करेंगे। नेक को सेट करने के लिए हम यहाँ से ऊपर से, ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट पे ऊपर से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से ये हमारा 1.5 इंच पे, ये देखिए मैंने कट लगा दिया। आप भी कट लगा लें, और इधर से भी हम 1.5 इंच पे कट लगा लेंगे, और इसमें भी हम सेम ही 1.5 इंच पे, 1.5 इंच पे कट लगाएंगे। उसके बाद हम फ्रंट वाले को हमें बैक वाले फोल्ड करना है, यूँ इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और बैक वाले को हमें इसके ऊपर फोल्ड करना है। इस तरह से ये यहाँ पे मेरा है कट, इसे हम यहाँ पे यूँ इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे यहाँ फोल्ड करेंगे। ये कट हमारा यहाँ पे रहेगा। इसे इस तरह से हमें एक दूसरे के ऊपर ये रख लेना है। फिर हम यहाँ पे और यहाँ पे पिनअप कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो पहले मैं इसे पिनअप कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने इस पर पिनअप कर लिया। या तो चाहे आप इसे पहले अटैच कर ले, एक सिलाई लगा ले उसके बाद स्लीव अटैच करें, या साथ में कर ले। स्लीव अटैच करने के लिए हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे ओपन करेंगे। ये हमने पिनअप किया हुआ है। इसके ऊपर हम इस तरह से स्लीव्स लेंगे, और फिर हम इसे यहाँ से यूँ इस तरह से रखते हुए हम इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। तो चलिए मैं दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेती हूँ। से मैंने इसे स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे, और ये जो हमने पिनअप किया था उसे हम यूँ इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा स्लीव्स अटैच हो गया है। इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी स्लीव्स को रेडी कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने इसमें स्लीव्स को अटैच कर लिया है, और हमारा नेक भी रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे रॉन्ग साइड से टर्न करेंगे। हम यहाँ स्लीव्स के पास से यहाँ इक्वल करते हुए पूरा ये जो हमारा यहाँ तक है, यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड से हमें इसे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेना है। तो चलिए मैं इस पर भी सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें साइड साइड से भी सिलाई लगा लिया है, और साइड साइड से मैं आप इंटरलॉक कर ले, इसे टर्न करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से ये हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। और नीचे हम यहाँ से हम इस तरह से मार्क करके 5 इंच पर इस तरह से बटन लगा देंगे, स्नैप बटन लगा देंगे। के ऊपर में हम ऊपर वाला ये बटन लगा देंगे। ये मैंने पहले से ही अटैच करके रख लिया है। फिर हम इसे बेबी को पहना के इस तरह से टैप करके लॉक कर देंगे। इस तरह से हमारा ये रोम्पा बन के बिल्कुल रेडी है। आप 0 से लेकर 3 मंथ तक के बेबी को इजिली पहना सकती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।